भाई अगर आप भी एक यूट्यूबर है भाई मेरे जैसे, अगर आपकी कोई ब्लॉग है, आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमा रहे हो, कहीं से भी हो, किसी भी थ्रू हो, तो भाई आपके लिए सिप कोड होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, कभी कभी होता है क्या कि भाई आप जो पेमेंट लेते हो बाहर से ना, तो आपके पास सिप कोड होता नहीं है, बहुत सारी समस्या आती है। बैंक वाले बोलते हैं कि सिप कोड क्या होता है, किसी किसी से तो बैंक वाले को पता भी नहीं होता खुद को, और वो बोलते भाई हमें पता नहीं है। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम सही सही सिप कोड निकालना इंटरनेट से। अगर दोस्त आप लोग गलत निकाल के भर देते हो, आपका पैसा फंस जाएगा, नहीं आएगा, 100% श्योर है, बहुत सारी इश्यू होगी। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे पहले भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, आपका भी मनीष आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाता रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरी स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो भाई प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की वीडियो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अलग दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है भाई सिफ्ट कोड, सिर्फ इतना ही सर्च करना है। और दोस्त यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँगा एक जेन्युइन वेबसाइट। और दोस्तों अगर आपको वेबसाइट पता भी है ना, तो फिर भी आप गलती कर देते हो सिप कोड ढूंढते समय, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलेगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं जूम करके, इस टाइप की वेबसाइट में आपको सिंपल क्लिक कर देना, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आ रही है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप कुछ लोग तो ऐसा होता है कि दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना बैंक हर चीज़, लेकिन फिर भी गलती कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपल आपको दोस्तों अपने यहाँ पर बैंक करना है डिसाइड, जो भी आपका बैंक है। तो बस इंडिया यहाँ से पहले डिफ़ॉल्ट है, दोस्तों बैंक दोस्तों मेरा SBI है, आपका कोई भी हो सकता है, तो भाई सेम प्रोसेस है किसी भी कोई भी बैंक हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर चलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आपको अपना स्टेट करना है, दोस्तों मेरे स्टेट मध्य प्रदेश, तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब ये प्रोसेस दोस्तों थोड़ा, दोस्तों यहाँ पर एक सिटी मांगेगा आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, तो भाई उसको आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सिप कोड ज़्यादा दोस्तों होता है दोस्तों गाँव का, तो बहुत कम होता है दोस्तों, सिटी का ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर दो सिप कोड आ रहे हैं, तो भाई एक केमिकल ब्रांच जबलपुर भी और मैन मैनपुर, तो भाई यहाँ पर अगर आपके में दो आ रहे हैं, तो भाई आप एक फाइन कर लीजिए कि मैन ब्रांच कौन है, इसके बाद आप डालिएगा, ठीक है। तो भाई मेरा मैन जबलपुर, तो भाई इसमें सिंपल मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों क्लिक करो दोस्तों, आप नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सिफ्ट कोड ही आ चुका है। दोस्तों ये सिफ्ट कोड 100% श्योर है, आप इसको अच्छे से देख कर आप लिख लीजिए, रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप करोगे दोस्तों, आप कहीं भी आप मतलब पेमेंट ले रहे हो एडसेंस से, तो भाई वहाँ पर आप डालिए, और दोस्तों कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों मैंने ऐसे ही किया और मेरा पेमेंट भी बहुत अच्छे से आराम से आ चुका था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया भाई, तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी बताता रहूँगा यूट्यूब टिप्स के ऊपर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।